लंबे समय से बारिश ना होने के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, फसलें सूखने की कगार पर आ गई हैं। तो वहीं तेज गर्मी के कारण सभी लोग परेशान हैं, जिसके चलते ऐसे में लोग पुराने टोटकों का सहारा ले रहे हैं, कहीं मेंढक मेंढक की शादी करा रहे हैं तो कहीं ईश्वर के भजन कीर्तन करने के साथ बारिश की प्रार्थना हो रही है। कुछ इसी प्रकार का मामला ग्राम पंचायत करिया हवेली में सामने आया, जहां सरपंच सुशील वर्मा गधे पर सवार होकर पूरी बस्ती में घूमे। उनके साथ गांव के लोग भी गाते बजाते और नाचते घूमते गांव में घूमे, जहां बस्ती के बाद गधे पर सवार सरपंच और ग्रामीण रंगई तक बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे। यहां भगवान से बारिश की प्रार्थना की गई। इस मौके पर सरपंच के अलावा जनपद सदस्य और पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन भी मौजूद रहे। ये तो बहुत पूरे बूढ़े सियानों की कहावत है, वो गधे पे बैठ के सवारी करने से कुछ टोटका रहता है तो इंद्रदेव खुश होते हैं, सभी देवी देवता सोचते हैं, उनका साथ देते हैं इंद्रदेव का और मेहनत करके पानी गिराते हैं, ऐसा कुछ है विधान में। इसलिए सभी जनता जनार्दन के बीच सभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा टोटका करने के लिए कहा, तो मैं एक प्रधान होने के नाते ग्राम रंगई से पूरे पटेल बाबा के पूजन अर्चन करते हुए ग्रामीण ग्राम में घूमते हुए गणेश जी बाढ़ वाले गणेश महाराज के यहाँ आके ये घर की सवारी संपन्न की, गणेश जी महाराज से प्रार्थना की